आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल आर्मी आईटीआई में। आज का जो हमारा क्लास है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग, मतलब जो फर्स्ट ईयर आईटीआई में फर्स्ट ईयर रहते हैं, फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड का सेम इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर रहता है, कॉमन रहता है। ऑल ट्रेड जितने भी ट्रेड है सबका कॉमन ट्रेड कॉमन पेपर होता है फर्स्ट ईयर का इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो उसी का आज का हमारा क्लास है। आज के इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का पहले क्लास का पार्ट वन है। इसमें हम तीन चार पार्ट होने वाले, पहला पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑल ट्रेड के लिए कॉमन। तो पहला क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड हैव सर्वल पार्ट्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट्स बैटन्स। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ड्राइंग बोर्ड के कई भाग होते हैं, इसके बैटन का उद्देश्य क्या है। जो ड्राइंग बोर्ड के पूरे पार्ट है उसमें से जो बैटन पार्ट है उस पार्ट का काम उद्देश्य क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू प्रिवेंट द बोर्ड फ्रॉम बेंडिंग, मतलब बोर्ड को मुड़ने से बचाना। दूसरा ऑप्शन है टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द स्ट्रिप, मतलब स्ट्रिप को सहारा देना। तीसरा ऑप्शन है टू ज्वाइन द स्ट्रिप, स्ट्रिप को जोड़ना। या फिर चौथा ऑप्शन है टू होल्ड द टेबल, मतलब टेबल पर पकड़ना। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि ड्राइंग बोर्ड के कई भाग होते हैं उसमें से बैटन का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू प्रिवेंट द बोर्ड फ्रॉम बेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द ड्राइंग बोर्ड ऑन विच द स्टॉक स्लाइड इज कॉल्ड रिक्त स्थान। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्टॉक स्लाइड करता है उसे रिक्त स्थान कहा जाता है। इसका पहला ऑप्शन है बैटन, दूसरा स्ट्रिप, तीसरा एबोनी एज और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबो। तो जैसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्या कहा था कि ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्टॉक स्लाइड करता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एबोनी एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैरेक्टरिस्टिक शुड नॉट बी प्रेजेंट इन द वुड यूज टू ड्राइविंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड में प्रयोग होने वाली लकड़ी में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। जैसे जो ड्राइंग बोर्ड बनाते हैं वुड से, मतलब लकड़ी से, तो उसमें उस बोर्ड में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए निम्नलिखित में से। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सॉफ्ट वुड, मतलब नरम लकड़ी नहीं होनी चाहिए। दूसरा वेल ट्रीटेड वुड, मतलब अच्छी तरह उपचार। दूसरा तीसरा ऑप्शन है वुड विद नॉट, मतलब गांट वाली लकड़ी होनी चाहिए। या फिर चौथा ऑप्शन कोई भी नहीं। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि ड्राइंग बोर्ड में प्रयोग होने वाली लकड़ी में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वुड विद नॉट, मतलब जो लकड़ी में ज्यादा गांठ होते हैं वो ऐसे वाली लकड़ी नहीं चाहिए, हमें पूरा प्लेन लकड़ी चाहिए होता है ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी स्क्वायर इज मेजर्ड फ्रॉम, टी स्क्वायर का माप लिया जाता है, मतलब जो टी स्क्वायर होता है उसका वो माप कहाँ से स्टार्ट होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है हेड लेंथ, दूसरा ब्लेड लेंथ, तीसरा ब्लेड विड्थ और चौथा नॉन ऑफ दिस, मतलब जो टी स्क्वायर होता है टी स्क्वायर को कहाँ से कहाँ तक इसकी लंबाई मेजर की जाती है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लेड लेंथ, मतलब ब्लेड की जो लंबाई होती है उसकी जितनी लंबाई तो टी स्क्वायर की उतनी ही लंबाई माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ टी वन साइज टी स्क्वायर इज, मतलब टी वन साइज की टी स्क्वायर की लंबाई कितना होती है, कितना होता है स्टैंडर्ड, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन 1500 मिलीमीटर, दूसरा 1000 मिलीमीटर, तीसरा 700 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 500 मिलीमीटर। तो जैसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि टी वन साइज की जो टी स्क्वायर होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1000 मिलीमीटर, मतलब 1000 मिलीमीटर का टी वन साइज की टी स्क्वायर की लंबाई होती है। और जो हम क्लास करवा रहे हैं आपका जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग कॉमन ट्रेड कॉमन फॉर ऑल ट्रेड, तो जो भी क्लास हम जो इस क्लास में जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे हैं, अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, जिस पर आपको ज्वाइन करके मैसेज करना है, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द टी स्क्वायर द वर्किंग एज ऑफ द ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर का कौन सा भाग ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर स्लाइड करता है, जैसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हेड, दूसरा ब्लेड, तीसरा एबोनी और चौथा नॉन ऑफ दिस। तो जैसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि टी स्क्वायर का कौन सा भाग ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर स्लाइड करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग ओनली द टी स्क्वायर विच टाइप्स ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉ, केवल टी स्क्वायर का प्रयोग करके हम किस प्रकार की लाइन को खींच सकते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है स्ट्रेट पैरेलल लाइन, मतलब सीधी समांतर लाइन है। दूसरा ऑप्शन है वर्टिकल पैरेलल लाइन, मतलब सिर्फ
खड़ी समांतर लाइन है, वर्टिकल मतलब खड़ी लाइन होती है। तीसरा ऑप्शन है कर्व पैरेलल लाइन, मतलब घुमावदार समांतर लाइन, या फिर चौथा ऑप्शन है सेंटर्ड पैरेलल लाइन, सिर्फ सेंटर की पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि यूजिंग ओनली टी स्क्वायर विच टाइप्स ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉ, मतलब जो ऐसे टी स्क्वायर के ड्रा कर सकते, यही क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेट पैरेलल लाइन, मतलब सीधी समांतर लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल बिटवीन द हेड एंड द वर्किंग एज ऑफ द ब्लेड ऑफ द टी स्क्वायर, टी स्क्वायर के ब्लेड के सिर और जो वर्किंग एज होते हैं उनके बीच का एंगल कितना होता है, जैसे क्वेश्चन में पूछा है, बीच का कोण क्या होता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 45 डिग्री, यहाँ पे डिग्री का सिंबल है, इसमें ये आपको ये ध्यान नहीं देना है, हम जो ऑप्शन बोले उसी को ध्यान में रखना है। पहला ऑप्शन है 45 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 75 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 90 डिग्री। तो जैसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि टी स्क्वायर के ब्लेड के हेड और वर्किंग एज के बीच का एंगल कितना होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री। तो ध्यान में रखें कि ये 900 नहीं है, डिग्री का सिंबल था, जब हमने कन्वर्ट किया है तो शून्य हो गया है, तो हमारा है 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर फोर 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ द टी स्क्वायर, निम्नलिखित में से कौन सा टी स्क्वायर का उपयोग नहीं है। इसके लिए पहला ऑप्शन है ड्राइंग हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन, मतलब सिर्फ हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन ड्रा करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है सपोर्ट द सेट स्क्वायर, मतलब सेट स्क्वायर को सपोर्ट करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है वर्किंग ऑन द स्ट्रेट एज ड्यूरिंग पेपर कटिंग, मतलब कागज काटने के दौरान सीधे एज पर काम करना। चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा टी स्क्वायर का उपयोग नहीं है, जो टी स्क्वायर है उसका निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं है, वर्किंग नहीं है, यही क्वेश्चन में पूछा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्किंग ऑन द स्ट्रेट एज ड्यूरिंग पेपर कटिंग, मतलब पेपर कटिंग के समय सिर्फ स्ट्रेट एज पर इसका काम होता है, ये इसका गलत जवाब है, मतलब इसका जो इसका वर्क नहीं है, टी स्क्वायर ये काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ द टी स्क्वायर विच टाइप्स ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉ बाय द सेट स्क्वायर, टी स्क्वायर की सहायता से सेट स्क्वायर द्वारा किस प्रकार की लाइनें खींची जा सकती है। टी स्क्वायर की मदद से अगर हमें सेट स्क्वायर की सहायता से लाइन खींचना है तो उस समय कौन सी लाइनें खींची जा सकती है। इसके पहला ऑप्शन हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा वर्टिकल लाइन, तीसरा पैरेलल लाइन और फिर चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द एबो। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि टी स्क्वायर की सहायता से सेट स्क्वायर द्वारा जब हम लाइनें ड्रॉ करते हैं तो कौन से प्रकार की लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्टिकल लाइन, मतलब सिर्फ खड़ी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ द सेट स्क्वायर लाइन कैन बी ड्रॉ एट रिक्त स्थान डिग्री एंगल। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सेट स्क्वायर की सहायता से रिक्त स्थान डिग्री के एंगल पर लाइनें खींची जा सकती है, इसमें भी सेम थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, ये जो आपको शून्य दिख रहा है इसमें शून्य नहीं है, डिग्री है। पहला ऑप्शन है 15 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 45 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 90 डिग्री, ये डिग्री है, ध्यान में रखें। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि सेट स्क्वायर की सहायता से रिक्त स्थान डिग्री के एंगल पर लाइनें खींची जा सकती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्टर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रिक्त स्थान एंगल, प्रोटेक्टर एक उपकरण है जिसका उपयोग रिक्त स्थान एंगल मापने के लिए किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। उसके पहला ऑप्शन है डिग्री एंगल, दूसरा रेडियन एंगल, तीसरा मिनट एंगल और चौथा ऑप्शन है लीनियर मेजरमेंट। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि प्रोटेक्टर एक उपकरण है, मतलब प्रोटेक्टर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग रिक्त स्थान एंगल मापने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, डिग्री एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि जो प्रोटेक्टर होते हैं प्रोटेक्टर के सहायता से हम डिग्री की एंगल मार्किंग कर सकते हैं, फिर मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ अ प्रोटेक्टर एंगल कैन बी मेजर एंड मेड विथ एन एक्यूरेसी ऑफ रिक्त स्थान, जो प्रोटेक्टर की सहायता से एंगल को रिक्त स्थान की सटीकता से माप सकते हैं और रिक्त स्थान की सटीकता से मापा और बनाया जा सकता है, जैसे क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है एक बार फिर से समझ लेते हैं कि प्रोटेक्टर की सहायता से एंगल को रिक्त स्थान की सटीकता से मापा और बनाया जा सकता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 1.50, दूसरा ऑप्शन है 0.50, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 20। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि प्रोटेक्टर की सहायता से एंगल को रिक्त स्थान की सटीकता से मापा और बनाया जा सकता है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें डिग्री है,
4.5 डिग्री, दूसरा 0.5 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 0.1 डिग्री, और चौथा पहला ऑप्शन है 1.5 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 0.5 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 1 डिग्री, और चौथा ऑप्शन है 2 डिग्री। यहाँ पर भी डिग्री आई है, चिन्ह नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टास्क कैन बी परफॉर्म विद अ प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर कौन से कार्य, प्रोटेक्टर से कौन से कार्य किए जा सकते हैं जैसे क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है मेजरिंग एंगल, दूसरा ऑप्शन मार्किंग एंगल, तीसरा डिवाइडिंग अ सर्कल टू फॉर्म अ सेक्टर, या फिर चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो जो क्वेश्चन पूछा था कि प्रोटेक्टर से कौन से कार्य किए जा सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डी ऑल ऑफ द अबव, मतलब एंगल भी हम मेजर कर सकते हैं, एंगल की मार्किंग भी कर सकते हैं, या फिर एक वृत्त को विभाजित करके त्रिज्याखंड बना सकते हैं, मतलब एक जो सर्कल होता है सर्कल का हम उसे डिवाइड करके उसका सेंटर भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मटेरियल इज यूज्ड टू मेक अ प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है जैसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वुड, दूसरा सिलोलाइट, तीसरा ऑप्शन है स्टील, और चौथा ऑप्शन है रबर। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि प्रोटेक्टर बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिलोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल सिलेक्शन इन इंजीनियरिंग टेक्निकल ड्राइंग इज बेस्ड ऑन रिक्त स्थान, इंजीनियरिंग या टेक्निकल ड्राइंग में पेंसिल का चयन रिक्त स्थान पर आधारित होता है, मतलब जो इंजीनियरिंग है या फिर टेक्निकल फील्ड है इसमें सिलेक्शन करना है तो कौन से बेस पर सिलेक्शन किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो पहला ऑप्शन है पेंसिल की लंबाई के अनुसार, दूसरा पेंसिल के डायमीटर के अनुसार, तीसरा पेंसिल के ग्रेड के अनुसार, या फिर चौथा कॉइन कलर, मतलब कॉइन के कलर के हिसाब से। तो ऐसे क्वेश्चन में पूछा था कि इंजीनियरिंग या फिर टेक्निकल ड्राइंग में पेंसिल का सिलेक्शन रिक्त स्थान पर आधारित होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पेंसिल ग्रेड, मतलब पेंसिल की जो ग्रेड होती है ग्रेड के हिसाब से आपको सिलेक्शन करना होता है कि हमें कौन से ग्रेड की पेंसिल से कौन से ड्राइंग हमें ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हार्डेस्ट ग्रेड पेंसिल, निम्नलिखित में से सबसे कठोर ग्रेड की पेंसिल कौन सी है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 7B, दूसरा HB मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान, तीसरा 9H, और चौथा 2H। जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि सबसे कठोर ग्रेड की पेंसिल कौन सी है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 9H। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट पेंसिल ग्रेड आर यूज टू ड्रॉ वेरियस लाइन इन ड्रॉइंग, विच ग्रेड इज सुटेबल फॉर ड्रॉइंग कंस्ट्रक्शन लाइन। ऐसा क्वेश्चन क्या पूछा है कि ड्रॉइंग में विभिन्न लाइनें खींचने के लिए विभिन्न पेंसिल ग्रेड का उपयोग किया जाता है, तो कंस्ट्रक्शन लाइन अगर हमें ड्रॉ करना है तो उस समय कौन से ग्रेड का पेंसिल उपयुक्त होता है, ये था क्वेश्चन। इसके लिए पहला ऑप्शन है 2H या फिर 3H, दूसरा ऑप्शन है HB या फिर H, तीसरा ऑप्शन है H या फिर 2H, और चौथा ऑप्शन है 8H या फिर 9H। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि ड्राइंग में विभिन्न लाइनें खींचने के लिए विभिन्न पेंसिल ग्रेड का उपयोग किया जाता है, कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रा करने के लिए कौन से ग्रेड का पेंसिल का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2H या फिर 3H वाली पेंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द सॉफ्टेस्ट ग्रेड पेंसिल, निम्नलिखित में से सबसे सॉफ्ट ग्रेड वाला पेंसिल कौन सा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन 6B, दूसरा HB, तीसरा 9H, और चौथा 5H। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि निम्नलिखित में से सबसे सॉफ्ट ग्रेड वाली पेंसिल कौन सी होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6B, 6B की पेंसिल सबसे सॉफ्ट पेंसिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्डनेस ऑफ अ पेंसिल लीड डिपेंड ऑन रिक्त स्थान, पेंसिल के लीड की कठोरता निर्भर करती है, कौन से बेस पर कठोरता निर्भर करती है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कॉलियन मटेरियल, कॉलियन कंटेंट, दूसरा क्वाइन थिकनेस, तीसरा ग्रेफाइट कंटेंट, और चौथा पेंसिल की लंबाई। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि पेंसिल की लीड की हार्डनेस किस पर निर्भर करती है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट कंटेंट, मतलब पेंसिल की जो लीड होती है उसमें जो ग्रेफाइट की कंटेंट होती है उसके ऊपर पेंसिल के हार्डनेस डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रेड ऑफ पेंसिल इज नॉट कॉमनली यूज्ड इन जनरल ड्राइंग टास्क, जनरल टास्क में किस ग्रेड की पेंसिल का आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन H, दूसरा 6H, तीसरा HB, और चौथा ऑप्शन है 2H। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि सामान्य
ड्राइंग कार्य में किस ग्रेड की पेंसिल का आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एच, एच ग्रेड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ ड्राइंग पेंसिल? ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन क्या होता है? क्रॉस सेक्शन पहले, सबसे पहले आपको समझ लेना है, क्रॉस सेक्शन मतलब होता है वो उसका आकार। जैसे मान लीजिए कोई सर्कल है, सर्कल का क्रॉस सेक्शन क्या होता है? गोल ही होता है। कोई किसी स्क्वायर वस्तु मतलब कोई टेबल मान लीजिए, तो टेबल का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? रेक्टेंगुलर। तो उसी प्रकार से जो हम पेंसिल यूज करते हैं ड्राइंग में, तो पेंसिल का क्रॉस सेक्शन क्या है, मतलब पेंसिल का आकार क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। चलिए, पहला ऑप्शन है हेक्सागोनल मतलब षटकोणीय, दूसरा स्क्वायर मतलब चौकोर, तीसरा राउंड मतलब गोलाकार, और फिर चौथा त्रिकोणीय। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि जो हमारा ड्राइंग का पेंसिल है, पेंसिल का क्रॉस सेक्शन क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेक्सागोनल। जब आप पेंसिल यूज करते हैं तो उसका देख उसे जो उसमें जब हम पकड़ते हैं तो उसका जो कॉर्नर होते हैं उसमें छह कॉर्नर मतलब हेक्सागोनल आकार में बना होता है, उसे ही कहा जाता है क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टूल इज यूज टू इरेज लाइन अप टू अ सर्टन थिकनेस? एक निश्चित मोटाई तक की लाइनों को मिटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, जैसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इरेजिंग शेल, दूसरा सैंड पेपर, तीसरा स्केल, चौथा फ्रेंच कर्व। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि एक निश्चित मोटाई तक की रेखाओं को मिटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इरेजिंग शेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरेजिंग शेल्ड मेड ऑफ, इरेजिंग शेल्ड किस मटेरियल से बनी होती है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्लास्टिक, दूसरा लकड़ी, तीसरा थिन स्ट्रिप ऑफ स्टील मतलब स्टील की पतली पट्टी, या फिर चौथा ऑप्शन है रबर। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि इरेजिंग शील्ड किस मटेरियल से बनाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी, स्टील की पतली पट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच कर्व इज रिलेटेड टू विच शेप? फ्रेंच कर्व किस आकृति से संबंधित है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है सेट स्क्वायर और टी स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है सर्कल या फिर सर्कल और इलिप्स, तीसरा ट्रायंगुलर और क्वाड्रिलेटरल, और चौथा ऑप्शन है पॉलीगॉन। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि जो हमारा फ्रेंच कर्व हम यूज करते हैं, उस फ्रेंच कर्व का आकार कौन सा है, किससे संबंधित होता है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्कल और इलिप्स, मतलब जो फ्रेंच कर्व होता है उसमें ज्यादातर इलिप्स का उपयोग किया जाता है और इलिप्स के आकार में बना होता है, तो इसका सही आंसर आ जाता है सर्कल और इलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केल्स आर मेड फ्रॉम मटेरियल विच इज द मोस्ट ड्यूरेबल मटेरियल? जो हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि स्केल विभिन्न मटेरियल से बनाए जाते हैं, तो सबसे टिकाऊ मटेरियल कौन सी है निम्नलिखित में से? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लकड़ी, दूसरा एलिफेंट टस्क मतलब हाथी के दांत, या फिर तीसरा सेल्यूलॉइड या फिर प्लास्टिक, चौथा ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि स्केल विभिन्न मटेरियल से बनाए जाते हैं, विच मटेरियल इज मोस्ट ड्यूरेबल मटेरियल, मतलब सबसे टिकाऊ मटेरियल कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टेनलेस स्टील। ध्यान में रखें कि स्केल और जो हमारा दूसरा एक चीज होता है इसमें, स्केल हमारा जो प्लास्टिक और दूसरा और माप जिसके सहायता से हम माप ले सकते हैं, उसे स्टील रूल कहा जाता है, तो उसका तो ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ स्केल इज यूज मोर फ्रिक्वेंटली इन इंजीनियरिंग ड्राइंग? इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार के स्केल का उपयोग अधिक किया जाता है? इसके लिए पहला ऑप्शन है ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन वाली, दूसरा फ्लैट क्रॉस सेक्शन वाली, तीसरा थिन फ्लैट क्रॉस सेक्शन और विवेल एज वाली, चौथा नॉन ऑफ दिस। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि कौन से टाइप के स्केल सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थिन फ्लैट क्रॉस सेक्शन और विवेल एज वाली, मतलब पतला क्रॉस सेक्शन और विवेल एज वाले स्केल का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्केल लेंथ इज यूज मोर फ्रिक्वेंटली इन इंजीनियरिंग ड्राइंग? इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस स्केल की लंबाई का अधिक बार उपयोग किया जाता है? इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन है 150 मिलीमीटर, दूसरा 300 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 600 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन पूछा था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस स्केल की लंबाई का सबसे अधिक बार उपयोग किया जाता है, मतलब जब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग ड्रा करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सी कितनी लंबाई के स्केल का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
150 मिलीमीटर और 300 मिलीमीटर, यही दो स्केल का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्राइंग टूल इज यूज टू ड्रॉ सर्कल अप टू 120 मिलीमीटर इन डायमीटर। 120 मिलीमीटर डायमीटर के सर्कल को ड्रॉ करने के लिए कौन से ड्राइंग टूल का उपयोग किया जाता है, जैसे क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है लार्ज कंपास, मतलब बड़ा कंपास, दूसरा बो कंपास, तीसरा लार्ज डिवाइडर, चौथा बो डिवाइडर। तो जो क्वेश्चन में था पूछा था कि अगर मान लीजिए कि हमें 120 मिलीमीटर व्यास, 120 मिलीमीटर डायमीटर के ऊपर का अगर हमें सर्कल ड्रॉ करना है तो उस समय कौन से ड्राइंग टूल का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लार्ज कंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ ड्राइंग शीट इज यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार की ड्राइंग शीट का उपयोग किया जाता है। इसके लिए पहला मेड पेपर, दूसरा मिल मेड पेपर, तीसरा दोनों ऑप्शन, चौथा नॉन ऑफ दिस। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि कौन से टाइप का ड्राइंग, व्हाट टाइप ऑफ ड्राइंग शीट इन यूज इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, कौन से टाइप का ड्राइंग शीट इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिल मेड पेपर, मिल से बना हुआ कागज। तो इस तरह से आज का जो हमारा फर्स्ट ईयर का इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास था, हम 30 क्वेश्चन आज की क्लास में हम सॉल्व करके दे रहे हैं, और इसी की तरह नेक्स्ट भी इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी आएगा। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और जो आज का जो क्लास है पूरे ऑल ट्रेड के लिए कॉमन है, जो फर्स्ट ईयर में रहते हैं उनके लिए कॉमन ट्रेड है, कॉमन ट्रेड के लिए ये क्लास है। तो और इसे जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिए इस क्लास में, पीडीएफ की जरूरत है तो हमें हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, इसमें ज्वाइन होकर आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते हैं।